हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 83, जिसके अंदर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, तो चलो करते हैं अपन स्टार्ट। देखिएगा, तो हेडिंग है तरंगों का अध्यारोपण। इंग्लिश में इसको अपन बोल सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुनना भी ध्यान से देखना। देखो यदि किसी माध्यम में एक साथ केवल एक तरंग संचरित हो रही है, तो माध्यम का प्रत्येक कण उस तरंग के अनुसार कंपन करता है और माध्यम के प्रत्येक कण का जो विस्थापन है वो तरंग डिसाइड करती है भी। ठीक है ना। और यदि किसी माध्यम में एक साथ दो या दो से ज्यादा तरंगें संचरित हो रही है, तो इस स्थिति में माध्यम की किसी भी कण का विस्थापन कोई भी इंडिविजुअल वेव है, कोई भी जैसे एक सिंगल वेव है, वो डिसाइड नहीं करती है। तो इस स्थिति में सारी की सारी जो वेव्स है वो मिलकर के उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का विस्थापन है वो तय करती है भी। ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि यदि किसी माध्यम में एक साथ दो या दो से ज्यादा तरंगें संचरित हो रही है, तो इस स्थिति में माध्यम के किसी भी कण का जो विस्थापन है वो सभी तरंगों की विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि किसी कण का कुल विस्थापन y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 प्लस क्या होता है आपके पास y3 प्लस डॉट 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 yn, यानी सभी तरंगों के विस्थापनों को अगर आप जोड़ दोगे ना, तो इस स्थिति में आपको कुल विस्थापन की प्राप्ति हो जाएगी। और ये तो आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब अध्यारोपण कितने प्रकार का होता है भाई? चार प्रकार का होता है। एक तो आपके पास होता है वेतीकरण, ठीक है ना। दूसरा होता है आपके पास में विस्पंद, और तीसरा होता है आपके पास में अपरगामी तरंगे, चौथा होता है लिसाजू। क्या करती हैं, तो बारी बारी से चारों अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भी, वेतीकण की बात करते हैं। अभी अपन वेतीकण डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है आज की अपनी वेतीकरण। तो वेतीकण का मतलब होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ध्यान से देखना। देखो वेतीकरण के लिए अपने पास में कम से कम कितनी तरंगें होनी चाहिए? दो तरंगें। और इन दोनों तरंगों के पास में क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। तो दो या अधिक तरंगें होनी चाहिए। जितनी भी आपके पास है तरंगे, सभी तरंगों का जो आयाम है वो समान होना चाहिए, या तो या होना चाहिए आपके पास में लगभग समान। ठीक है ना। तो दोनों तरंगों का जो आयाम है वो या तो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और या क्या होना चाहिए? लगभग समान होना चाहिए भी। ठीक है ना। यानी आयाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है ये एग्जैक्टली समान होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए भाई। मतलब आपके पास एन वन बराबर क्या होना चाहिए? एन टू होना चाहिए। दोनों तरंगों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी पहली तरंग अगर धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही, तो दूसरी तरंग भी धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो,
तीसरी तरंग भी धनात्मक एक्स अक्ष के अनुरूप ही संचरित हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत। यानी जो फाई है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, डेल्टा फाई है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और ऐसी तरंगें जिनके बीच का जिनके बीच का कलांतर समय के सापेक्ष नियत रहता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, उन तरंगों को अपन बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे। क्या बोलते हैं? कला संबद्ध तरंगे। इनको अपन बोलते हैं कला संबद्ध तरंगे, कोहेरेंट वेव्स। ये बात हो गई। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो, अगर ऐसी दो या दो से ज्यादा तरंगे जिनका आयाम समान या लगभग समान है, आवृत्ति बिल्कुल समान है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन समान है, और साथ में दोनों तरंगों के बीच का कलांतर समय के सापेक्ष कांस्टेंट है, यानी बदलता नहीं है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में दोनों तरंगों के अध्यारोपण से अपने को कुछ पॉइंट्स ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पे परिणामी आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, और कुछ पॉइंट्स अपने को ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पे परिणामी आयाम और तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। अधिकतम आयाम और तीव्रता वाली जगहों को अपन बोलते हैं, उन स्थितियों को अपन बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण की स्थितियां, पोजिशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर आपको परिणामी आयाम और तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होते हैं उनको अपन बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां, पोजिशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो प्रकार का इंटरफेरेंस अपने पास होने वाला है। तो देखना ध्यान से देखो कि एक तो आपके पास में पहली वेव है वाई वन बराबर क्या जाएगा आपके पास ए वन साइन ओमेगा टू, और दूसरी हो जाएगी आपके पास वाई टू बराबर ए टू साइन ओमेगा टी प्लस क्या जाएगा आपके पास है फाइव साइन ओमेगा टी प्लस क्या जाएगा आपके पास है फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पहली तरंग, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस क्या देगा आपके पास है के एक्स, लिख दो इसको आप, ठीक है ना, और ये आपके पास में जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या देगा फाइव देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली जो तरंग है इसका आयाम ए वन है, दूसरी तरंग का आयाम ए टू है, ए वन ए टू बराबर होना चाहिए, पहली की कोणीय आवृत्ति और दूसरी की कोणीय आवृत्ति ओमेगा ओमेगा, तो कोणीय आवृत्ति अगर बराबर तो आवृत्ति भी बराबर कर देंगे अपन, ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों तरंगे उन तरंगों के संचरण की दिशा भी समान है, यानी दोनों धनात्मक एक्स अक्ष के अनुरूप संचरित हो रही है। ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, यानी दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो कितना आपके पास है फाई है, और फाई है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समय के सापेक्ष नियत है बच्चों, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अपन बात करते हैं कि दोनों के बीच में जो कलांतर डेल्टा फाई है वो कितना देगा आपके पास है फाई, फाइव तो एक कांस्टेंट हो गया। अब देखना ध्यान से देखो कि दो तरंगे बनाता हूं मैं, पहली तरंग ये ए वन हो गया और दूसरी तरंग ये ए टू, ये अगर ए वन है तो ये अगर ए वन हो गया तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास है ए वन होगा, और ये अगर A2 तो ये भी आपके पास है क्या बन जाएगा A2 बन जाएगा। अब आपको बताया कि सदिश योग तो आपको करना आता ही है, कि A1 हो गया ये A2 हो गया, तो इस A1 के टेल से A2 की हेड की तरफ जो वेक्टर बना दोगे वो आपके पास है इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी इसको अपन लिख देंगे A लिख देंगे, तो इधर से इधर की तरफ इसको अपन क्या बना देंगे A बना देंगे, एक क्या हो जाएगा आपके पास में परिणामी आयाम हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 और A2 इन दोनों के बीच की जो कला है, इन दोनों के बीच की जो फेज है वो फेज कितनी हो जाएगी आपके पास है फाइव, और इस एक का एक A1 के साथ में जो एंगल है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन अल्फा बोल सकते हैं अभी, ठीक है ना। और सदिश योग करना तो आपको आता ही है A1 A2 इन दोनों के बीच का कोण कितना भी फाइव है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, याद होगा आपको समांतर चतुर्भुज का नियम, तो समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि a बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू
कॉस फाई का रूट हो जाएगा। ये तो आपके पास है, क्या हो जाएगा अभी परिणामी आयाम, ठीक है ना, इसको तो अपन बोल सकते हैं परिणामी आयाम। और इसके बाद में आपके पास में जो टेन एल्फा है, टेन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए टू साइन फाई अपॉन क्या होता है आपके पास ए वन प्लस ए टू कोस फाई हो जाएगा भी। अब यहां पर आपके पास एल्फा है, वो क्या देगा परिणामी तरंग का प्रथम तरंग के साथ में कलांतर हो देगा, तो एल्फा को मैं लिख दूंगा परिणामी तरंग का प्रथम तरंग के साथ कलांतर, तो एल्फा आपके पास हो जाएगा परिणामी तरंग का प्रथम तरंग के साथ कलांतर हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको व्यतिकरण के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताई है, और भी बहुत सारी बातें मेरे को आपको बतानी है, तो एक बार इन चीजों को नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो ध्यान से अब तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, देखो कि आपके पास में जो परिणामी आयाम है ए बराबर क्या हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई इसका रूट हो जाएगा। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि यदि आपके पास में फाई बराबर कितना भी जीरो डिग्री, चलो वो तो अपन बाद में बातें करेंगे इसकी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, परिणामी तीव्रता की, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी ध्यान से देखना, देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम स्क्वायर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है K इंटू ए वन स्क्वायर हो जाएगा, तो I1 बराबर कितना देगा आपके पास है K ए वन स्क्वायर, I2 बराबर कितना देगा आपके पास है K ए टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बन जाएगा ध्यान से, अपन जानते हैं कि आई बराबर क्या आपके पास में के इंटू ए स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर की बात करते हैं तो आपके पास बन जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आई बराबर के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू के ए वन ए टू कॉस फाई। अब यहां पर आपके पास आई बराबर के ए वन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई आई वन, के ए टू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आई टू प्लस टू, इसके बाद में के को अपन क्या लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट के दो जगह, इस ए वन को इस पहले वाले रूट के साथ में ले आएंगे ब्रैकेट में तो ए वन स्क्वायर बन जाएगा, और ए टू को दूसरे वाले रूट में ले जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा टू रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाई बन जाएगा भी। ये आपके पास में परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये परिणामी आयाम का फॉर्मूला होगा, ये आपके पास में परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया परिणामी आयाम का फॉर्मूला ये और परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला ये, ओके। अब देखो ध्यान से, यदि दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है फाई बराबर या तो जीरो है या कितना टू पाई है या फोर पाई है या डॉट 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 टू एन पाई है या टू पाई का एन गुना भी टू पाई एन, टू पाई का एन गुना है, ठीक है ना। तो दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है वो कितना भी या तो जीरो है या कितना टू पाई या फोर पाई या टू पाई एन है, ठीक है ना। यानी अपन बोल सकते हैं कि टू पाई का पूर्ण गुणज हो या जो पथांतर है, पथांतर आप जानते हैं क्या होता है भाई, लेमडा बराबर पथांतर का डेल्टा बराबर, पथांतर क्या होता है भाई लेमडा बटे टू पाई इंटू कलांतर, डेल्टा बराबर कितना होता है आपके पास है लेमडा बटे टू पाई इंटू क्या होता है कलांतर, तो जीरो पुट कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, टू पाई पुट कर दोगे
तो लेमडा आ जाएगा, 4 पाई पुट कर दोगे तो 2 लेमडा आ जाएगा, डॉट 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 ये आपके पास है, एन लेमडा आ जाएगा अभी, ठीक है ना। कलांतर आ गया, पतांतर आ गया, तो इस स्थिति में आपके पास है जो कॉस फाई है, इस कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है आपके पास में +1 होती है, कितनी होती है +1, ठीक है ना। आप जैसे कॉस 0 पुट कर दो, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, इन सब की वैल्यू कितनी होती है +1 होती है, तो इस स्थिति में परिणामी आयाम a बराबर a1 square प्लस a2 square प्लस 2a1 a2, कॉस फाई कितना देगा आपके पास 1, और इसके बाद इसका रूट कर देंगे तो ये तो a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं a1 प्लस क्या हो जाएगा a2, और ये क्या बन जाएगा आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ध्यान से देखना, देखो यदि दोनों तरंगों के बीच में कलांतर कितना है, 0, 2π, 4π या 2π का पूर्ण गुणजो, या पतांतर 0λ, 2λ या लेमडा का पूर्ण गुणजो, तो इस स्थिति में आपको परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता दोनों अधिकतम प्राप्त होते हैं, और इस स्थिति को अपन बोलते हैं संपोष्य व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? संपोष्य व्यतिकरण। तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता I की बात करते हैं, तो I बराबर कितना देगा आपके पास I1 प्लस क्या देगा आपके पास I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2। कॉस फाई कितना देगा आपके पास 1, तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर बराबर हो जाएगा आपके पास में रूट I1 का स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2√I1I2। a² प्लस b² प्लस क्या देगा आपके पास 2ab। यहां पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं रूट आई वन और प्लस क्या देगा आपके पास रूट आई टू, तो ये आपके पास हो जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और जो परिणामी तीव्रता है इसको भी अपन क्या बोलते हैं मैक्सिमम बोलते हैं, और परिणामी आयाम और तीव्रता दोनों अधिकतम प्राप्त हो रही है, तो इस स्थिति को अपन बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या आपके पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो दोनों तरंगे अगर समान कला में होती है तो इस स्थिति में परिणामी आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होते हैं, इस स्थिति को अपन बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है ना। संपोषी व्यतिकरण का मतलब यह है कि दोनों तरंगें एक दूसरे से के साथ में जुड़ रही है, ठीक है ना, और जुड़ करके एक बड़ी तरंग का निर्माण कर रही है, यानी दोनों के आयाम है वो जुड़ रहे हैं, यानी दोनों तरंगें किसी भी पार्टिकल को समान कला में कंपन करवाना चाह रहे हैं, सेम डायरेक्शन में कंपन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये बात होगी भी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि जो कलांतर है फाई बराबर कितना आपके पास है पाई 3π 5π डॉट 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 2n+1π, या आपके पास है जो पतांतर है डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास है λ/2 3λ/2 5λ/2 डॉट 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 2n+1λ/2। तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो जो कॉस फाई है वो कितना होता है -1 होता है, भाई कॉस पाई हो चाहे कॉस 3π हो चाहे कॉस 5π हो कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो इस स्थिति में आपका कॉस फाई है वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इस स्थिति में जो परिणामी आयाम है a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a1² प्लस क्या हो जाएगा आपके पास a2² प्लस 2a1a2 cos phi कितना हो जाएगा -1, और a² प्लस b² माइनस 2ab, इसको अपन क्या बोलेंगे a-b का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगा हुआ है स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा a1 अंतर क्या हो जाएगा आपके पास a2 हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं ये आपके पास मिनिमम हो गया, क्या हो गया मिनिमम। तो परिणामी आयाम है वो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। फिर परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, तो I बराबर I1 प्लस क्या देगा आपके पास I2 प्लस कितना देगा आपके पास 2
रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाई कितना हो जाएगा माइनस वन, तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं बराबर रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं मिनिमम, और ये आपके पास हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण, बोले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यदि दोनों तरंगों के बीच में कलांतर है वो फाइव बराबर कितना देगा पाई थ्री पाई फाइव फाइव डॉट 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 टू एन प्लस वन फाइव या पतांतर इतना है, तो इस स्थिति में परिणामी आयाम और तीव्रता दोनों ही आपको न्यूनतम प्राप्त होते हैं, और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, ये संपोषी अगर ये आपके पास विनाशी हो गया, तो अगर दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो संपोषी व्यतिकरण, और विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो इसको अपन बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। और विपरीत कला का मतलब क्या होता है, अभी दोनों तरंगें मतलब जैसे मान के चलेगा कोई पार्टिकल है इसको पहली तरंग ऊपर और दूसरी तरंग नीचे कंपन करवाना चाह रही है, तो विपरीत कला होगी, और इस स्थिति में जो परिणामी आयाम है वो दोनों आयामों के अंतर के बराबर आपको प्राप्त होता है अभी। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखिएगा, देखो मैंने आपको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण ये दोनों चीज़ें पढ़ा दी, अब ये वास्तव में होता क्या है मैं आपको तरंग का डायग्राम बना करके ये चीज़ समझाने वाला हूँ, तो देखना ध्यान से। संपोषी व्यतिकरण इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो दोनों तरंगें एक दूसरे में जुड़ती है, तो कैसे जुड़ सकती है, देखो कि जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास कोई पहली तरंग है ये आपके पास में पहली तरंग हो गई फर्स्ट वेव, ठीक है ना, और इस पहली तरंग का जो आयाम है वो कितना हो जाएगा आपके पास है A1 हो जाएगा, और दूसरी तरंग भी मान के चलेगा यहीं से स्टार्ट हो रही है, और दूसरी तरंग का जो आयाम है वो कितना आपके पास है मान के चलेगा A2 है, तो यहां पे दोनों तरंगें एक दूसरे में जुड़ रही है तो जुड़ करके एक बड़ी तरंग का निर्माण करेगी, तो यहां पर आपके पास है ये जो परिणामी आयाम है वो कितना देगा आपके पास है A1 प्लस A2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात होगी, ये तो संपोषी व्यतिकरण का डायग्राम हो गया। इसके बाद अगला अपन देखते हैं विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, तो विपरीत कला में कैसे अध्यारोपित होती है, देखो जो फर्स्ट वेव है ये फर्स्ट वेव है, इसका आयाम कितना हो जाएगा A1, और उसके बाद में जो सेकेंड वेव है वो मेरे को नीचे की तरफ बनानी है भाई, यहां पे ये सेकेंड वेव हो गई। अब यहां पे दोनों तरंगें एक दूसरे का विरोध कर रही है तो इस स्थिति में जो परिणामी तरंग है वो ये बन जाएगी, और इसका जो आयाम है ये आपके पास A1 माइनस A2 हो जाएगा अभी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको विनाशी व्यतिकरण समझा दिया है। ओके भाई, अब चलो अपन देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। अगर दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है तो संपोषी व्यतिकरण, परिणामी आयाम और तीव्रता अधिकतम, और यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो विनाशी व्यतिकरण, और इस स्थिति में परिणामी आयाम और तीव्रता एक न्यूनतम होते हैं अभी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, देखो
यदि आपके पास ए वन बराबर ए टू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए नॉट, ये मैंने माना है। तो इस तरीके में परिणाम आया ए बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेक्टर वाले चैप्टर में आपको बता रखा मैंने, टू ए नॉट कॉस फाइव बाई टू देगा, ठीक है ना। और इसके बाद में यदि आई वन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास आई टू बराबर आई नॉट, ये मैंने माना है। तो इस स्थिति में परिणामी तीव्रता कितना देगी आपके पास है फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू देगा भी, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो ये वाले फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब सुनने का ध्यान से देखना, देखो मैं देखता हूं औसत तीव्रता, औसत तीव्रता क्या होती है आपके पास आई एवरेज बराबर आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बटे दो। यहां पर आपके पास है जो आई मैक्सिमम होता है, आई मैक्सिमम बराबर कितना होता है अभी नीचे लिख देता हूं मैं, आई मैक्सिमम बराबर होता है आपके पास आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू, और आई मिनिमम बराबर कितना होता है आपके पास प्लस आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट ऑफ आई वन आई टू अपॉन में क्या देगा आपके पास टू। तो यहां पे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा आई एवरेज बराबर आई वन प्लस आई टू देगा भी। तो आपकी जो औसत तीव्रता है वो दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा आई एवरेज बराबर आई वन प्लस आई टू बटे दो, ठीक है ना। तो इसको करें नोट, फिर अपन बढ़ते आगे। तो चलिए इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट, देखिएगा देखो ध्यान से, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूले परिणामी आयाम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव का रूट, बता चुका हूँ आपको मैं। ए बराबर कितना होता है आपके पास टू ए नॉट कॉस फाइव बाई टू, अभी भी बताया ये कब लागू होता है जब ए वन और ए टू का मान बराबर है। इसी प्रकार से आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, आई बराबर फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये कब लागू होता है जब आई वन आई टू का मान आई नॉट के बराबर है। इसके बाद में आई वन अपॉन आई टू बराबर कितना होता है आपके पास ए वन अपॉन ए टू का होल स्क्वायर। और इसके बाद आंसर देखना, देखो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर, आई मैक्सिमम बराबर कितना होता है आपके पास ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर, और ए मैक्सिमम बराबर कितना था ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर बराबर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट ऑफ आई वन आई टू, आई वन प्लस आई टू माइनस का टू रूट ऑफ आई वन आई टू, या इसको अपन लिख सकते हैं रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा भी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो एक होती व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि होती है भी, व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि। अब ये व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि आपको क्या बताती है भाई, ये बताती है कि विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ,
यानी कितने परसेंट एनर्जी वो विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण पर शिफ्ट हो गई है, तो विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण पर स्थानांतरित ऊर्जा का प्रतिशत। तो यहां से अपने को यह पता चलता है कि कितने प्रतिशत एनर्जी है वो विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर शिफ्ट हुई है। तो इसको अपन देख सकते हैं कि F बराबर I मैक्सिमम माइनस क्या होता है आपके पास I मिनिमम बटे क्या होता है आपके पास I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम इंटू क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। वास्तव में होता क्या देवदान से कि ये आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर एक, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर दो। अब यहां से पहली तरंग गुजरती है तो पहली तरंग इसको भी आई वन और इसको भी आई वन तीव्रता देती है। ये तरंग है हर पॉइंट को बराबर ऊर्जा देती है, तो पहली तरंग है वो इसको भी कितनी ऊर्जा देती है भाई आई वन तीव्रता, और इसको भी कितनी तीव्रता देती है आई टू। अगर यहां से दूसरी तरंग जाएगी तो इसको कितनी तीव्रता देगी भी आई टू, और इसी प्रकार से इसको भी कितनी तीव्रता देगी आई टू। तो इसके पास में भी कितनी हो जाएगी आपके पास आई वन प्लस क्या हो जाएगी आई टू, और इसके पास में भी कितनी हो जाएगी आपके पास आई वन प्लस आई टू हो जाएगी। अगर अपन कुल इंटेंसिटी की बात करें, कुल तीव्रता की बात करें, तो आई वन प्लस क्या हो जाएगा आई टू, और इसके पास में भी क्या हो जाएगा आपके पास आई वन प्लस आई टू, ठीक है ना। ये बात है अभी तो यहां पर भी आपके पास I1 प्लस I2, यहां पर भी क्या देगा आपके पास I1 प्लस I2 देगा। अब मान किस लेगा, इस पॉइंट पर दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती है, और समान कला में अध्यारोपित होती है तो यहां पर तो क्या देगा आपके पास संपोषी और यहां पर मान किस लेगा विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, तो इसको अपन बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण से जो ऊर्जा आपके पास I1 प्लस I2 इसका कुछ पार्ट है वो उठ करके इस पे आ जाता है अभी, ठीक है ना, कुछ पार्ट है वो तीव्रता का इस पे स्थानांतरित हो जाता है। इस कारण से यहां पर जो इंटेंसिटी है वो तो I1 प्लस I2 से कम हो जाएगी और यहां पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा हो जाएगी। तो वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं कि व्यतिकरण की घटना में विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर तीव्रता औसत तीव्रता से कम प्राप्त होती है, और संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर तीव्रता औसत तीव्रता से अधिक प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा का विनाश हो रहा है और संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि वास्तव में ऊर्जा विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित होती है। तो व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा के उत्पादन या ऊर्जा के विनाश की बात नहीं करते अपन, ऊर्जा का उत्पादन या ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, जबकि वास्तव में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कुछ ऊर्जा विनाशी व्यतिकरण से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर स्थानांतरित हो जाती है। और कितने परसेंट एनर्जी शिफ्ट हुई है उसी को अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि बोलते हैं। अगर 10% शिफ्ट हुई है तो व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि कितनी हो जाएगी 10%, अगर 50% शिफ्ट हुई है तो कोटि कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और अगर 100% ऊर्जा स्थानांतरित होगी तो व्यतिकरण प्रतिरूप की कोटि भी कितनी हो जाएगी आपके पास 100% हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ये चीज तो व्यतिकरण के बारे में जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो मैं आपको सारी सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखिएगा, व्यतिकरण पर आधारित मैं आपको तीन अच्छी अच्छी क्वेश्चंस करवाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो देवदान से, दो कलासमान तरंगों के आयाम A1 आपको दे रखा है 3 यूनिट और A2 आपको दे रखा है 4 यूनिट दे रखा है, तो आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो रेशियो है वो आपको बताना है, और साथ में आपको व्यतिकरण प्रतिरूप की जो कोटि है F है ये भी आपको बतानी है अभी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन सबसे पहले इसको, यहाँ पे A1 आपको दे रखा है, A2 आपको दे रखा है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन अपन करते हैं। ये अपने को पूछा जा रहा है I मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास I मिनिमम बराबर हो जाएगा आपके पास A मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर,
और आपको पता है कि ए मैक्सिमम कितना होता है, ए वन प्लस ए टू होता है, और ए मिनिमम कितना होता है, ए वन माइनस ए टू होता है। तो ए वन प्लस ए टू कितना होता है आपके पास, है तीन प्लस चार, और ये आपके पास हो जाएगा चार माइनस तीन। इसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, चार तीन कितना देगा सात, सात का स्क्वायर कितना देगा आपके पास उनचास, बटे चार माइनस तीन कितना देगा एक, एक का स्क्वायर कितना देगा आपके पास एक हो जाएगा। यानी यहां पर आपके पास जो अधिकतम तीव्रता है इसका अनुपात कितना देगा, अभी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना देगा, 49:1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद है सेकंड, सेकंड आपके पास एफ बराबर, ये क्या होता है आपके पास आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इंटू 100 बराबर। अब बात सुना, अभी मैक्सिमम कितना 49 माइनस 1 हो जाएगा, और बटे कितना देगा आपके पास 49 प्लस 1 इंटू 100 हो जाएगा। अभी तो 49 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 48, और 49 प्लस 1 हो जाएगा 50, 100 बाई 50 कितना देगा 2, और 2 इंटू 48 कितना देगा आपके पास 96% हो जाएगा। अब यहां पर ये जो 96% है ये क्या बता रहा है अपने को, ये बता रहा है कि एक्चुअली विनाशी व्यतिकरण की जो स्थिति है वहां से 90% एनर्जी है वो संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों पर शिफ्ट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए व्यतिकरण प्रतिरूप की जो कोटि है वो अपने पास में 96% आ रही है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, समान आयाम की दो कला समान तरंगों के लिए अधिकतम तीव्रता कितनी भी के है, तो उस स्थान पर तीव्रता क्या होगी जहां पर जो पदांतर है वो कितना आपके पास है लेमडा बाई थ्री है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अधिकतम तीव्रता, तो अधिकतम तीव्रता यानी आई मैक्स के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए ध्यान से देखना, देखो जो फाई है वो आपके पास है कितना हो जाएगा जीरो देगा। तो अपन जानते हैं कि आई बराबर कितना होता है बताओ, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, फाई कितना हो जाएगा आपके पास है जीरो, जीरो बाई टू कितना हो जाएगा जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है वन, वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा 4I0 हो जाएगा, और इस 4I0 को क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, के बोल रहा है, क्या बोल रहा है के। तो ध्यान से देखना, देखो इस 4I0 को यहाँ पे के बोला जा रहा है, ये बात होगी। इसके बाद से उस स्थान पर तीव्रता क्या होगी जहां पे पतांतर लेमडा बाई थ्री है, बट फॉर्मूले में तो अपन कलांतर पुट कर सकते हैं, तो अपन एक काम करते हैं पतांतर से कलांतर निकालते। तो कलांतर बराबर कितना होता है आपके पास में देवदान से 2π/λ इंटू पतांतर, और पतांतर कितना हो जाएगा आपके पास है लेमडा बाई थ्री, लेमडा से लेमडा को कैंसिल आउट कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 2π/3, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2π/3 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं 2π/3, तो 2π/3 कितना होता है बताओ, 120 डिग्री होता है, ये होता है आपके पास 120 डिग्री। अब इंटेंसिटी निकालते हैं अपन, तो आई बराबर कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास 4I0 कोस स्क्वायर 5/2, तो कोस स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 120 बटे 2 कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कोस 60, बताओ कोस 60 कितना होता है 1/2, और 1/2 का अगर अपन यहाँ से स्क्वायर कर देंगे कितना देगा 1/4, तो ये आपके पास I0 आ जाएगा, और यहाँ से 4I0 बराबर कितना देगा K, तो I0 बराबर कितना देगा आपके पास है K बटे, ये आपके पास है 4 हो जाएगा। अभी समझ में आ गई ना बात है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो व्यतिकरण की घटना में 20% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा अभी, यदि इंटरफेरेंस के अंदर 20% एनर्जी है वो स्थानांतरित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपके पास में ये पॉइंट हो गया, और एक आपके पास में ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे मान किस लेगा एनर्जी कितनी थी भाई, औसत ऊर्जा 100, और यहाँ पर भी जो औसत ऊर्जा वो कितनी आपके पास 100 है। वास्तव में व्यतिकरण में होता क्या, अभी विनाशी व्यतिकरण की स्थितियों से संपोषी व्यतिकरण की स्थितियों की ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ से है ना 20% है वो इस पर शिफ्ट हो रहा है। अब 100 का 20 कितना होता है, अभी 20 होता है,
तो ये आपके पास में 20 हो गया अभी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 80, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा। तो इसको तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई आई मिनिमम, और यहाँ पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई आई मैक्सिमम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास आई मिनिमम और आई मैक्सिमम आ गया, तो करते हैं इसको अपन सॉल्व। देखना ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, अपन जानते हैं कि आई मिनिमम बटे आई मैक्सिमम बराबर, मिनिमम कितना हो जाएगा आपके पास 80 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 120, तो इसको अपन 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/3। और इसके बाद में दुदान से आई मिनिमम, तो ये आपके पास ए मिनिमम, तो ए मिनिमम कितना हो जाएगा आपके पास a1 माइनस a2 और अपॉन a1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास a2। इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ से अगर अपन रूट कर देंगे तो रूट करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो a1 माइनस क्या हो जाएगा a2 अपॉन a1 प्लस a2 बराबर, ये आपके पास अंडरूट का 2 बटे अंडरूट का 3 हो जाएगा। इसके बाद यदि इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर, तो a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में √3 प्लस कितना हो जाएगा √2 बटे क्या हो जाएगा आपके पास √3 माइनस का √2 हो जाएगा। तो अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो करें इन सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो इंटरफेरेंस है वो तो यहीं पे फिनिश हो चुका है, और इंटरफेरेंस के बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं तरंगों का परावर्तन, और उसके बाद में तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण पारगमन, ठीक है ना, ये डिस्कस करेंगे अपन। तो चलिए बच्चों इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं तरंगों का परावर्तन व पारगमन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि परावर्तन और पारगमन में अंतर क्या है, क्या होता है, देखना ध्यान से देखो। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास है इधर की तरफ माध्यम एक है और ये इधर की तरफ आपके पास है माध्यम दो है। इस माध्यम के अंदर तरंग की जो चाल है वो आपके पास है कितनी, v1, और इस माध्यम के अंदर तरंग की चाल कितनी देगी आपके पास में v2 देगी, और ये आपके पास में क्या हो जाएगी दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह हो जाएगी। यहाँ पर ये बाउंड्री है जो कि माध्यम एक को माध्यम दो से अलग कर रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इधर से इस प्रकार से मैं कोई भी तरंग आपतित करवाता हूँ, तो ये आपके पास है तरंग इस प्रकार से यूँ आपतित होगी, ठीक है ना। और जैसे मैं यहाँ पर तरंग आपतित कराता हूँ, इस तरंग का जो कुछ पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा अभी परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर की तरफ आ जाएगा, ये तो परावर्तित हो गया। और कुछ ध्यान से देखना देखो, वो इसी माध्यम के अंदर मतलब दूसरे माध्यम के अंदर चला जाएगा, इस माध्यम इस पृथक्करी सतह को पार करके दूसरे माध्यम के अंदर एंटर कर जाएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास है क्या हो जाएगा अभी पारगमित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी आपतित, और यहाँ पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी परावर्तित, और यहां पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी पारगमित, ट्रांसमिटेड हो गई भी। तो आपके पास है जो आपतित है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसका आयाम कितना हो जाएगा, इसका आयाम हो जाएगा आपके पास ए आई, ठीक है ना। और जो परावर्तित है इसका आयाम कितना हो जाएगा आपके पास ए रिफ्लेक्टेड, और जो पारगमित है इसका आयाम कितना हो जाएगा आपके पास ए ट्रांसमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई भी वेव है सिर्फ पारगमित होती है सिर्फ परावर्तित होती है, इसका कोणीय वेग, आवर्ती, आवर्तकाल ये चेंज नहीं होता, मतलब ये मान लो आप कि फ्रीक्वेंसी है आवर्ती वेव तरंग की कभी भी चेंज नहीं होती है, तो इसकी आवर्ती, इसकी आवर्ती, इसकी आवर्ती एज इट इज रहेगी भी। तो इसका कोणीय वेग ओमेगा रहेगा, इसका भी कोणीय वेग क्या रहेगा ओमेगा रहेगा, और इसका जो कोणीय वेग है वो भी क्या रहेगा आपके पास में ओमेगा रहेगा भी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ओमेगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है अभी, कोई भी वेव है चाहे किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में चले जाए जो ओमेगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है अभी, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना देखो, चाल होती है तरंग की, चाल चेंज हो जाती है,
मान के चलिए ये पहला माध्यम है, इस माध्यम के अंदर तरंग की चाल कितनी हो जाएगी v1, तो ये वाली जो चाल है ये भी कितनी हो जाएगी v1 हो जाएगी, क्योंकि माध्यम सेम है, बट इसके अंदर तरंग की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में v2 जाएगी, ठीक है ना। और v1 बराबर कितना होता है आपके पास में ओमेगा बटा k1, और v2 बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा, v2 बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा बटा k2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बातें हो गई। अब यहाँ पर जो परावर्तन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है विरल माध्यम से परावर्तन और एक होता है सघन माध्यम से परावर्तन, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं तो से फर्स्ट विरल माध्यम से परावर्तन, विरल माध्यम से परावर्तन चलो सबसे पहले अपन परावर्तन की बात कर लेते हैं, परावर्तन की तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं ए, ये देखा आपके पास परावर्तन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विरल माध्यम से परावर्तन, जो आपके पास आपतित तरंग है, इस आपतित तरंग की समीकरण क्या लिख सकते हैं, वाई आई बराबर ए आई, आई का मतलब क्या होता है इंसिडेंट मतलब आपतित, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स हो जाएगा। बात करें अपन परावर्तन की, तो अगर विरल माध्यम से परावर्तन हो चाहे सघन माध्यम से परावर्तन हो, परावर्तन में जो डायरेक्शन है वो तो क्या हो जाती है भाई अपोजिट होती है, मतलब ये वाली जो तरंग है वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग चल रही है तो परावर्ती तरंग है वो नेगेटिव एक्स के अलोंग चलेगी भी, यानी परावर्तन में जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट होनी निश्चित है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो परावर्ती तरंग है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, वाई रिफ्लेक्टेड बराबर ए रिफ्लेक्टेड साइन, इसके बाद ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है के एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं सघन माध्यम से परावर्तन, तो सघन माध्यम से परावर्तन अपन देख रहे हैं, देखो अगर यहां पर जो परावर्तन है वो सघन माध्यम से होता है, यानी मतलब माध्यम वन से माध्यम टू में जाती है, माध्यम टू है वो सघन माध्यम है, ठीक है ना, यानी वी वन से वी टू है वो क्या भी छोटा है, सघन माध्यम में आपको बताया कि तरंग की चाल है वो घट जाती है, ठीक है ना। तो अगर परावर्तन सघन माध्यम से होता है इस स्थिति में पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो अपन बात करते हैं इस स्थिति में पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कला विपरीत हो जाती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इसका मतलब यह कि जो परावर्ती तरंग है उसका समीकरण क्या बन जाएगा, y रिफ्लेक्टेड बराबर a रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स तो बनना ही है, और साथ में ध्यान से देखना, देखो यहां पे पाई भी आ जाएगा भी। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो आपतित तरंग है इसका आयाम कितना आपके पास है ai, इसका जो कोणीय वेग है कितना है ओमेगा है, और इसके संचरण की दिशा है वो पॉजिटिव एक्स के अनुदिश है। अब आपको बताया कि परावर्तित होकर की तरंग जाएगी तो वो आपतित की अपोजिट होगी, यानी परावर्तन चाहे सघन माध्यम से हो रहा है चाहे विरल माध्यम से हो रहा है, दोनों स्थितियों में इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो तो अपोजिट होनी है। तो तरंग संचरण की दिशा को अपन विपरीत कर देंगे, यानी यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। बट यदि परावर्तन विरल माध्यम से होता है तो इस स्थिति में किसी प्रकार का कलांतर उत्पन्न नहीं होता है,
बट यदि जो परावर्तन है वो सघन माध्यम से होता है तो इस स्थिति में पाई का कलांतर उत्पन्न हो जाता है, यानी जो कला है वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। और इस स्थिति में परावर्तित रहेंगे, इसका समीकरण क्या बन जाएगा, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वाई रिफ्लेक्टेड बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का ए आर साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में, के एक्स हो जाएगा अभी, ठीक है ना, ये परावर्तित तरंग होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये सघन माध्यम से परावर्तन हो गया, परावर्तन आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं पारगमन की, बात करते हैं ट्रांसमिशन। तो ये आपके पास हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा पारगमन यानी ट्रांसमिशन। तो पारगमन है वो चाहे सघन माध्यम से हो रहा है चाहे विरल माध्यम से हो रहा है, दोनों स्थितियों में जो डायरेक्शन है वो तो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। और किसी प्रकार का कलांतर उत्पन्न नहीं होता है अभी, ठीक है ना, केवल और केवल क्या चेंज होता है, वेग चेंज होता है अभी। तो अपन बात करते हैं कि पारगमन में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और कला है वो तो क्या रहती है, अपरिवर्तित, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और जो कला है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। बट ध्यान से देखना, देखो जो चाल है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं अभी, चाहे परावर्तन पारगमन है वो सघन है या विरल, कोई से माध्यम से पारगमन हो रहा हो, वाई ट्रांसमिटेड बराबर ए ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी। अब यहां पर माइनस के एक्स का क्या देगा आपके पास, माइनस का के एक्स देगा और किसी प्रकार का कलांतर उत्पन्न नहीं होता है। बट यहां पर अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन के टू बोल देंगे। और यहां पर यह आपके पास है क्या देगा, के वन, यहां पर क्या देगा अपने पास है के वन परावर्तन में, और ये भी आपके पास है क्या देगा के वन, और ये भी आपके पास है के वन हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे, के टू बोलेंगे। तो बात सुनना भी, देखो तरंग की कौन कौन सी गुण, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो तरंग का आयाम, एक होता है ओमेगा, एक होता है एन, एक होता है टी, एक होती है कला, एक होती है आपके पास है डी ओ पी। आयाम के साथ साथ में इंटेंसिटी भी लिख दो चाहिए, आयाम इंटेंसिटी आई भी लिख दो चाहिए आप, ठीक है ना। और एक क्या होता है अभी, आवृत्ति होगी, वी हो गया, लेमडा हो गया, एक आपके पास है के होता है। अब ध्यान से सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज देखो, ओमेगा एन और टी ये तो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। तो ओमेगा एन और टी ये कभी चेंज नहीं होते अभी, ठीक है ना, बात नंबर एक। चाहे परावर्तन हो रहा है, चाहे पारगमन हो रहा है, चाहे सघन माध्यम से, चाहे विरल माध्यम से, किसी से हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं ए और आई की, बात करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो ये हमेशा चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं कि अगर कोई भी वेव जाती है तो इसकी इंटेंसिटी का कुछ पार्ट है वो तो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है। न तो 100% पार्ट है वो परावर्तित हो पाता है, नहीं 100% ट्रांसमिट हो पाता है, और नहीं 100% एब्जॉर्ब हो पाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी जो सतह होती है वो पूर्ण परावर्तक, पूर्ण पारगमक या पूर्ण अवशोषक नहीं हो सकती। ये एक आइडियल कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये भी हमेशा चेंज होते हैं, तो ये दोनों भी हमेशा चेंज होते हैं भाई, ठीक है। बट यदि आपको स्पेशली ऐसा बोल दिया जाए कि पूर्ण परावर्तक सतह, तो पूर्ण परावर्तक सतह के अंदर
आपतित तरंग और परावर्तित तरंग दोनों का आयाम और तीव्रतापन बराबर लेके चलेंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, अगला अपने को बोल रहा है कि पूर्ण परावर्तक सतह यानी पूरी तरंग का परावर्तन हो चुका है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं दोबारा से डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, डीओपी की बात करते हैं। डीओपी भाई सीधी सी बात है, परावर्तन होता है तो डीओपी अपोजिट होती है, और पारगमन होता है तो एज इट इज रहती है। बात करते हैं अपन कला की, बात करते हैं कला चेंज होती केवल और केवल किस में, परावर्तन में, और वो भी कब, जब परावर्तन सघन माध्यम से हो रहा है। तो सघन माध्यम से जब परावर्तन होता है तो इस स्थिति में कला पाई से परिवर्तित हो जाती है। विरल माध्यम से परावर्तन होता है या किसी भी माध्यम से पारगमन होता है, कला में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। इसके बाद आंसर देखना, देखो वी और लेमडा की बात करते हैं। अपन जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है आपके पास, एन इंटू लेमडा, एन को तो आपने कॉन्स्टेंट कर दिया, तो वी और लेमडा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अपन बात करते हैं वी और लेमडा की बात करते हैं, तो अगर तरंग है वो परावर्तित होती है तो ऑब्वियसली उसी माध्यम में आ गई, तो चाल मतलब वी लेमडा और के ये तीनों ही चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यदि तरंग है उसका क्या हो रहा है, अभी पारगमन हो रहा है, तरंग यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो चाल घटेगी, और चाल घटेगी तो लेमडा घटेगा, और लेमडा घटेगा तो के बढ़ेगा, क्योंकि के बराबर क्या होता है, 2π/λ होता है। और यदि तरंग है मान के चलेगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो इस स्थिति में वी बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा, और इस कारण से के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कौन सी भौतिक राशि में क्या परिवर्तन होता है ये मैंने आपको बता दिया अभी, ओके। इसके बाद में देखो कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपके पास में AR, AR क्या होता है बताओ, ये होता है आपके पास में परावर्तित तरंग का आयाम। तो AR बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास में V2-V1 बटे क्या होता है आपके पास में V2+V1 इंटू क्या होगा आपके पास है AI। और एक होता है आपके पास AT बराबर, तो AT बराबर कितना होता है 2V2 बटे क्या होता है आपके पास में V2+V1 इंटू क्या होता है आपके पास में AI होता है। तो पहले माध्यम में तरंग का वेग और दूसरे माध्यम में तरंग का वेग ये आपको मालूम होना चाहिए, और आपतित तरंग है इसका आयाम आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से जो परावर्तित तरंग है उसका आयाम भी अपन निकाल सकते हैं और पारगमित तरंग का आयाम भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो अपरगामी तरंगें डिस्कस करेंगे, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद इंटरफेरेंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी अपने हो गए, सारे सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आपको बता दिया है। और उसके बाद में तरंगों का परावर्तन और पारगमन ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सारी की सारी चीज़ें आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं।